नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। इस वीडियो में ब्लू एंड व्हाइट कोलिंग स्क्रीन के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं, इस मेथड का यूज क्यों किया जाए। इस मेथड का यूज हम लोग सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, रिकम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट कहने का क्या मतलब है? रिकम्बिनेंट कहने का मतलब है कि उसमें हमारा जो जीन है वो डिजायर जीन जो है वो जुटा हुआ है, और नॉन रिकम्बिनेंट में हमारा जो डिजायर जीन है नहीं जुटा है। और तो हम लोग सेलेक्ट किसको करना चाहते हैं? रिकम्बिनेंट को, क्योंकि हम उसका यूज करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग एक मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, लैक जेड जीन। तो लैक जेड जीन का काम क्या है? ये लैक जेड जीन एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइटिस, और इन प्रेजेंस ऑफ एक्स गेल वो क्या देता है? ब्लू कोलिंग देता है। तो हमने अभी तक यहां सीखा कि लैक जेड बीटा गैलेक्टोसाइटेस एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और एक्स गेल सबस्ट्रेट है जो बीटा गैलेक्टोसाइट अगर प्रेजेंस रहेगा तो एक्स गेल को ब्रेक डाउन करेगा और ब्लू कोलिंग देगा। अगर इनएक्टिव लैक जेड है तो बीटा ग्लूकोसाइटेस एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होगा और व्हाइट कोलनी देगा। अब हम थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। अगर आपके पास कोई प्लास्मिड है और आपने कोई डिजायर्ड जीन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका तीन तरह का कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन कि आपका डिजायर जीन जो है जो आपका लैक जेड जीन में जुट जाए। दूसरी कंडीशन है, कहने का क्या मतलब, कि आउटसाइड जुटे, जो कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्लोनिंग साइड ही हमारा जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी साइड में अगर क्लोन होगा तो हमारा क्या होगा, फंक्शनल एस्पेक्ट जो है, जो डीएनए से हम प्रोटीन बनाना चाहते हैं वो आसानी से पूरा कर पाएंगे सेलेक्ट करने के बाद। दूसरी परिस्थिति है कि अगर आपका जो है इंसर्ट मतलब फॉरेन डीएनए इसमें जुटा ही नहीं, तो दो परिस्थितियाँ में, पहली परिस्थितियाँ में अगर कोई आपका फॉरेन डीएनए बाहर जुट गया तो भी लैक जेड एक्टिव रहेगा, और अगर कोई इंसर्ट नहीं इसमें जुटा है तो लैक जेड जो है आपका भी एक्टिव रहेगा। लेकिन वैसी कंडीशन जिसमें लैक जेड आपका जुट गया है, कि लैक जेड के जीन के अंतर्गत आपका डीएनए जुट गया है, तो लैक जेड क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया है। क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। तो ये तीन तरह के कंस्ट्रक्ट को अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, डिफरेंट तरह का ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसको ग्रो कराते हैं, किसके प्रेजेंस में ग्रो कराते हैं, एक्स गेल और आईपीटीजी के प्रेजेंस में ग्रो कराते हैं। तो आप क्या पढ़ाते हैं, एक्स गेल क्या हुआ, सबस्ट्रेट है। किसका सबस्ट्रेट है? बीटा गैलेक्टोसाइटेस का सबस्ट्रेट है, जो कि उसको ब्रेक डाउन करेगा बीटा गैलेक्टोसाइटेस को, बीटा गैलेक्टोसाइट ब्रेक डाउन करेगा एक्स गेल को। और आईपीटीजी क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको इंड्यूसर बोल सकते हैं, जो बीटा गैलेक्टोसाइटेस को बन जाने के लिए इंड्यूस करेगा। चलिए, तो हम ऐसे इसमें पाते हैं कि अगर रिकम्बिनेंट डीएनए हमारा है जुट गया है तो लैक जेड इनएक्टिव हो जाएगा, और इसके प्रेजेंस में बीटा ग्लूकोसाइट प्रोड्यूस नहीं होगा तो कैसे अपीयर होगा, व्हाइट कोलिंग होगा। बाकी दो कंडीशन में हम पाते हैं कि हमारे जो जीन है लैक जेड का बिल्कुल सही सलामत क्या, एक्टिव है, और जब एक्टिव रहेंगे तो बीटा ग्लूकोसाइट प्रोड्यूस करेंगे, और प्रोड्यूस करेंगे तो आपका एक्स गेल के प्रेजेंस में ब्लू कोलिंग देगा। ब्लू कोलिंग कैसा हो गया, नॉन रिकम्बिनेंट। और हम चाहते कैसा है, रिकम्बिनेंट डीएनए को, जो कि हमारे काम का है। तो व्हाइट कोलनी जो कि आपका रिकम्बिनेंट डीएनए है, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई नया वीडियो की सूचना तुरंत प्राप्त हो। आपका कमेंट या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका कमेंट हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू।